हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्नो महल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के द्वारा दिए गए ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, जो आप लोगों ने बहुत पहले से सुन चुके हैं और बहुत लोगों ने करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो लेकिन वेबसाइट में कुछ इशूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से यह ओपन नहीं हो रहा था, तो किसी को मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बारे में आप देखिए और किन लोगों को कौन सा कोर्सेस करना चाहिए, वह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो डिप्लोमा होल्डर हैं या बीटेक के होल्डर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो जेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें यहीं से बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। और जो इस बार जेट दिए होंगे उन लोगों से यदि आप बात करेंगे या देखेंगे तो उन लोगों ने कुछ सजेस्ट किया होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल 4.0, ये किसी भी इंडस्ट्री में ये जो इंडस्ट्रियल 4.0 है लगता है, वहाँ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और टाटा स्टील के जो जेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये दो कोर्सेज हैं जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है यदि आपके पास टाइम है तो, क्योंकि इसके बाद ही आप दूसरे जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही है लास्ट 3 और 4 ईयर से जेट में आ रहे हैं। तो यदि नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होता है जेट का एग्ज़ाम तो इसमें ज़रूर आएंगे। उसके बाद उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद है कंप्रेसर, फैन एंड ब्लोअर, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, ये सारे जो है ये एक्स्ट्रा कोर्सेज है, जैसे कुछ मैकेनिकल के रिलेटेड है, जैसे कंप्रेसर हो गया, उसके बाद फैन एंड ब्लोअर हो गया। और यहाँ पे देखिए लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल मटेरियल हैंडलिंग, ये मटेरियल हैंडलिंग के काम आते हैं। तो जो टाटा स्टील के एम्प्लॉई हैं या जो अभी ट्रेनी हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले जो कोर्स है उनको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। और देखिए इलेक्ट्रिकल वाले का, जिसको इलेक्ट्रिकल में आना है, आगे फील्ड में काम करना है और यदि आपके पास फ्री टाइम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल केबल का जो है वो आप कोर्स ले सकते हैं। और अर्थिंग एंड सॉक, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए स्पेशली बता दूँ कौन कौन सा कोर्स करने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले आपको अर्थिंग एंड सॉक करना चाहिए, उसके बाद ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा है इलेक्ट्रिकल केबल। तो सबसे पहले जो अर्थिंग एंड सॉक है, इसके बारे में, सेफ्टी के बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसे भी जनरल लाइफ में भी और किसी भी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम अभी आपको लगेंगे। और यहाँ पे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, उसके बाद फ्यूल एंड कंबंसन, ये मेटलर्जी के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो टाटा स्टील है वो मेटलर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहती है और उन लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पे जो मेटलर्जी के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली है कि जो कोर्सेस है वो आप खरीद लीजिए और उसके बाद उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। और देखिए जो जेट का एग्ज़ाम होता है इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और MS ऑफिस, यदि आप MS ऑफिस में अच्छा सा काम करना चाहते हैं या आपको हर जगह लगता है ऑफिस वर्क में और यूजुअल आप थोड़ा सा इंटरेस्ट है कंप्यूटर वर्क में, तो आपको MS ऑफिस ITNCS कर सकते हैं, ठीक है। और एडवांस ITCS जो एडवांस एक्सेल सिखाता है आपको, तो ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोर्सेज है, मशीन लर्निंग का है, जो कंप्यूटर साइंस के वो भी इसको पसंद करते हैं, और जो बाकी जो है देखिए यहाँ पे जो वियरिंग है मैकेनिकल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, और यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट का है, बल्क मटेरियल हैंडलिंग है, तो बहुत सारे कोर्सेज है। हमको यदि आप करना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था जो लास्ट जो हमेशा के लिए पेड रहते हैं, ये सब कोर्सेज जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियल 4.0, TQM और ये जो इलेक्ट्रिकल केबल इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, और यहाँ पे जो फैन ब्लोअर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने भी कोर्स अपने ट्रेड के रिलेटेड मिलते हैं आपको उसे कर लेना है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती नहीं है और आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में कह रहे थे कि आपके लगेगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि आप कोई भी इंडस्ट्री में किसी भी प्लांट में जाते हैं ये सारी चीज़ें आपको लगती है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ये जैसे फैन एंड ब्लोअर हो गया तो ये हर इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे, और वो मटेरियल हैंडलिंग का, केबल्स का, अर्थिंग एंड सॉक का, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, फ्यूल कंबसन, मेटलर्जी का। तो ये अपना जो डिपार्टमेंट है, जो अपने अपने ट्रेड है उसके रिलेटेड आप कोर्स कीजिए, जो आपको एक बार 1 रुपये में है तो आप ज़्यादा झिझकने का नहीं है,
आप आराम से इसे कर सकते हैं। और यदि आप उसे खरीदते हैं, इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है 24 आवर का, तो उसे थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो फ्री में थोड़ा मोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन वो लोग इस बार जो किए हैं बहुत अच्छी तरीके से अपने जो भी इशू थे उसको सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।